तो दोस्तों आ चुका हूँ फिर से एक न्यू कमाल की वीडियो के साथ। एंड गाइज आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आप लोग को ऑटोडेस्क स्केच बुक से एडिटिंग सिखाऊंगा। एंड आप लोग भी HD फेस स्मूथिंग सीखना चाहते हो कुछ इस टाइप से, तो गाइज ऑटोडेस्क स्केच बुक को याद कर लो। एंड यहाँ पे आप लोग इससे सीखने वाले कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग। एंड देख सकते हो ये ओरिजिनल फोटो में दिखा रहा हूँ फेस पे कितने पिंपल शो हो रहे, तो गाइज इसको मैं एडिटिंग करके दिखाऊंगा, वो भी काफ़ी औसम तरीके से, जो यहाँ पे कोई भी यूट्यूबर नहीं बताया होगा। आप लोग भी HD फेस स्मूथ करने जाते हो बट सही तरीके से नहीं हो पाती होगी। एंड आप लोग देख सकते हो फेस पे मेरे काफ़ी अच्छी तरीके से स्मूथिंग हुई है। तो गाइस इस तरह की स्मूथिंग सीखने के लिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड आप लोग को सिखाते हैं कैसे इस तरह की स्मूथिंग करी जाती है। तो देख सकते हो अभी हम लोग के फेस पे कितना पिंपल शो हो रहा है। तो गाइस अभी आप लोग को सीधे से इस वाली फोटो को अभी आप लोग को कहाँ शेयर करना होगा, जहाँ मैं ऐड करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग को लाइटरूम ऐप में पहले फोटो को शेयर करना होगा, उसके बाद आगे का स्टेप है ऑटोडेस्क स्केचबुक का। तो गाइस पहले अभी आप लोग लाइटरूम ऐप में जो करने वाले हो उसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये इसके बाद ही वो प्रोसेस करना जो मैं ऑटोडेस्क स्केचबुक में बताऊंगा। तो गाइस पहले इसको करना ज़रूरी है, तो इसको लास्ट तक आप लोग देख लेना पहले, उसके बाद फिर आप लोग को समझाऊंगा ऑटोडेस्क स्केचबुक में क्या करना है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ब्राइटनेस एडजस्ट कर दी, आप लोग को भी इतना कर लेना होगा। एडजस्ट करने के बाद गाइस अभी आप लोग को कलर वाला सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, तो उसके ऊपर क्लिक कर लेना गाइस जल्दी से। एंड अभी आप लोग को मिक्स वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा। एंड ऑरेंज वाले के बाद यहाँ पे येलो वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो येलो वाले का भी हम लोग ह्यू माइनस कर देंगे, सैचुरेशन प्लस कर लेंगे। एंड सैचुरेशन प्लस कर लेते हैं, इसके बाद ग्रीन वाले पे यही इफेक्ट रहेगा। तो गाइस दोनों को इतना कर लेते हैं, दोनों ग्रीन येलो को इतना कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे स्काई ब्लू जो रहेगा भी हम लोग देख लेते हैं पहले इसको इधर उधर करके। तो गाइस स्काई ब्लू वाले पे आ जाते हैं जल्दी से, हम लोग स्काई ब्लू वाले पे आएंगे। इसके बाद गाइस अभी आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे हियो को जो माइनस करने वाले हैं हम लोग, उसके बाद गाइस यहाँ पे सैचुरेशन जो रहेगा उसको भी माइनस कर देते हैं। दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जो ब्लैक पार्ट था नीचे का वो करना है। हम लोग अभी देख सकते हो वो भी रेड रेड आ रहा है, तो उसको ब्लैक करने के लिए क्या करना होगा उसको भी ध्यान से देखना। तो गाइस अभी आप लोग इतना कर लेना, इतना करने के बाद गाइस अभी आप लोग को डन करके ऑरेंज वाले पे आ जाना फिर से। ऑरेंज वाले पे आने के बाद इसका ल्यूमिनस प्लस करना फेस के लिए होता है, आप लोग को पता ही होगा। इसके बाद गाइस यहाँ पे सैचुरेशन यहाँ पे वाइटनेस के लिए रहता है फेस की, इसको कर लेते हैं बिफोर एंड यहाँ पे आफ्टर आप लोग को शो करके दिखा देते हैं। तो गाइस इतना करने के बाद यहाँ पे इसको कर लेते हैं राइटिंग, अभी इसको हम लोग पहले रेड वाले पे, तो गाइस पहले इसको राइट टिक कर लेते हैं। यहाँ पे रेड वाला तो मैंने थोड़ा बहुत बताया, आप लोग को उसको ध्यान से देखना होगा। एंड इसके बाद राइट टिक करने के बाद यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना एंड विंटेज को माइनस कर देना कुछ इस टाइप से। विंटेज को माइनस करने के बाद यहाँ पे आप लोग को डिजिट प्लस कर लेना है, डिजिट से फोटो डार्क हो जाती है आप लोग की एंड क्लियरिटी इंक्रीज कर ही सकते हो आप लोग अपनी फोटो की। इसके बाद गाइस यहाँ पे राउंडनेस आप लोग को मेन पॉइंट जो रहता है वो फेदर, मतलब जो आप लोग की साइड शेडो आती है उसको एडजस्ट कर देता है। एंड यहाँ पे शार्पिंग वाले ऑप्शन पे आके आप लोग को क्या करना होगा, शार्पिंग को प्लस कर लेना होगा एंड बिफोर आफ्टर देख सकते हो कुछ स्टेप से अभी आप लोग को फोटो अपनी अप्लाई कर लेना होगा अपने फेस पे एंड यहाँ पे एडिटिंग कर लेना होगा। तो गाइस यहाँ पे ट्राई वन कर लेते हैं एंड प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे एंड गो इट कर लेते हैं पहले। इसके बाद ड्रॉ के ऑप्शन पे आके कुछ स्टेप से आप लोग को अपने एंगल को नीचे से उठा लेना होगा, मतलब ड्रॉ के ऑप्शन पे नहीं, आप लेंस ब्लर ऑप्शन पे आना होगा एंड कुछ स्टेप से नीचे से उठा लेना होगा। एंड यहाँ पे आप लोग को जो रेड ऑरेंज आ रहा है नीचे उसको हटाने के लिए यहाँ पे सैचुरेशन को माइनस कर देते हैं। एंड यहाँ पे अभी आप लोग को सैचुरेशन को हल्का माइनस कर, फुल माइनस करने के बाद आप लोग यहाँ पे कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर देना जैसे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरे हैंड पे भी आ रहा है, तो हैंड पे मैं भी काफ़ी अच्छे तरीके से हटाऊँगा आप लोग को दिखा के कैसे यहाँ पे मैंने हटाया है। तो गाइस पहले इसको कर लेता हूँ यहाँ पे, पहले ब्लैक में हल्का ब्लैक कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस अभी आप लोग को नीचे से इसको एरो को सही कर लेना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे भी देख सकते हो हैंड पे आ रहा है मेरा, तो इसको मैं सही कर लेता हूँ, कैसे सही करना है उसके बारे में बताऊँगा। तो गाइस अभी आप लोग को इतना करना होगा, इतना करने के बाद देख सकते हो फोटो में कुछ इस टाइप लुक होगा। एंड यहाँ पे भी एरो को इस तरह से इस रोटेट कर देंगे, रोटेट करते हैं यहाँ पे फोटो में कुछ इस टाइप से लुक हो जाएगा। लुक होने के बाद राइट टिक कर लेंगे एंड यहाँ पे हम लोग का जो ऑरेंज आ रहा था वो ब्लैक हो गया साइड से। तो गाइस इतना कर लेना होगा, करने के बाद फोटो में देख सकते हो काफ़ी औसम तरीके से एडिटिंग हो चुकी है। अब बट अभी हम लोग की जो फेस की एडिटिंग है वो बाकी है। तो गाइस अब ऑटोडेस्क स्केचबुक की पारी आने वाली है, तो गाइस आप लोग लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मेन ट्रिक आने वाली है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने वाला हूँ जो यहाँ पे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। एंड आप लोग भी ये ट्रिक फॉलो करके अपनी फोटो एडिटिंग काफ़ी औसम तरीके से कर सकते हो, रियल बता रहा हूँ गाइस, ट्राई करके देखना एक बार। एंड गाइस अभी आप देख सकते हो यहाँ पे लोडिंग हो रही है एंड यहाँ पे ओपन हो चुकी है फोटो। ओपन होने के बाद फोटो कुछ स्टेप से शो होगी एंड आप लोग को बहुत से यूट्यूबर लोग बताए होंगे कैसे फेस स्मूथ किया जाता है एंड यहाँ पे हेयर की एडिटिंग कैसे करी जाती है।
तो जो मैं बताऊंगा वो रियल है, उसको ध्यान से देखना आप लोग, उस स्टेप को फॉलो करना। एंड जब हो जाएगा स्मूदिंग तो मुझे कमेंट करके एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड आप लोग को मैं बता रहा हूँ, जो मैं रियल तरीके से एडिटिंग करता हूँ वही आप लोग को सिखाता हूँ, एंड कोई फेक ट्रिक मैं तो बताता नहीं है। गाइस यहाँ पे देख सकते हो फेस पे कितने पिंपल शो हो रहे, तो इसको हटाने के लिए मैं जो ट्रिक बताऊँगा वो काफ़ी औसम है, उसको ध्यान से देखना। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने वाला हूँ यहाँ पर, कोई भी नहीं बताएगा जो यहाँ पर देख सकते हो। अभी हम लोग टूल आइकन पर क्लिक कर लेते हैं, एंड इसके बाद गाइस अभी आप लोग को आर्टिस्ट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। एंड यहाँ पे नीचे की सेकंड लाइन का फर्स्ट वाला टूल है, इसको यूज़ करने के बाद गाइस इसका यहाँ पे आप लोग को सेटिंग दिखा देता हूँ क्या रखने वाला हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पे आप ये वाला टूल यूज़ करना है, इसकी सेटिंग आप पे सेटिंग पे आ जाते हैं। तो गाइस सेटिंग पे आने के बाद आप लोग को स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन पे आके स्मूदेथ करना होगा, एंड इसके बाद फ्लो को चेंज करना होगा, जल्दी से फ्लो को चेंज कर लेना होगा, एंड यहाँ पे स्ट्रेंच को भी चेंज कर लेना होगा। तो दोनों को चेंज कर लेना होगा, अभी आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप से आप लोग को स्ट्रेंच एंड फ्लो को रखना होगा जैसे मैं रख रहा हूँ। तो गाइस 8 यहाँ पे एंड यहाँ पे 13 यहाँ पे आप लोग को रख लेना होगा या तो 12 रख लेना होगा, तो दोनों में से एक पॉइंट रखना होगा। इसके बाद गाइस अभी आप लोग को बैक आना होगा। बैक आने के बाद अभी हम लोग का जो साइज़ था वो मैंने बड़ा कर दिया था, सॉरी गाइस। इसके बाद साइज़ को छोटा करेंगे, एंड छोटा करने के बाद कुछ इस टाइप से स्मूदिंग स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस देख सकते हो ये रियल तरीके से स्मूदिंग मैं कर रहा हूँ। इसके आगे का स्टेप भी बहुत इजी स्टेप, एंड यहाँ पे आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप बताने वाला हूँ, तो उसको ध्यान से देखना। पहले स्मूदिंग में कर लेता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ आप लोग को। तो गाइस आई होप देख सकते हो कुछ इस टाइप से रेटिंग आप लोग की भी होगी अपने फेस पे ही। तो गाइस आप लोग भी साथ साथ करते हो तो कुछ इस टाइप से रेटिंग आप लोग की हो गई होगी, एंड यहाँ पे रियल तरीके से स्मूदिंग सिखाई है, एंड यहाँ पे येलो टोन की रेटिंग करके दिखाई। तो गाइस आई होप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट।